माहिर कानून इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, अभी ये समाअत जारी है, कानूनी तौर पर आपको क्या लग रहा है जमानत मिलने के बाद आ रहे हैं और इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो मुकदमों को फेस करें, और इस दौरान में बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं कोर्ट जुडिशल नोटिस भी उनका ले चुकी होगी जो कि अब कोर्ट के सामने आ चुके हैं, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोई वजह नहीं है कि उनको जमानत ना मिले। मोस्ट लाइकली उनको जमानत मिल जाएगी और उसके बाद फिर अच्छा इरफान कादिर साहब, इन एनी केस अगर जमानत नहीं मिलती है, हम मफरूजों पर बात कर रहे हैं अभी क्योंकि समाज चल रही है, इन एनी केस अगर जमानत नहीं मिलती है तो आप क्या समझते हैं कि अदालत क्या रीजंस दे सकती है? नहीं नहीं, कोई रीजन नहीं दे सकती, कोई ऐसे रीजन है ही नहीं कि उनको जमानत ना मिले। ठीक है, और ये हिफाजती जमानत कुछ रोज की होगी जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश तो होना होगा? नहीं, वो इवेंचुअली इक्विट हो जाएंगे, दोनों केसेस में इक्विट भी हो जाएंगे। सर किन बेसिस पर क्विट हो सकते हैं? एविडेंस ही नहीं है, केस ही गलत बने हुए हैं, वो इस पे इतने ज्यादा सुकम है, मैं ऑलरेडी कई प्रोग्राम्स में पहले पॉइंट आउट कर चुका हूं, तो ही विल बी एक्विटेड। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद थे मायरे कानून, और वो कह रहे हैं कि दोनों केसेस से वो बरी भी हो सकते हैं क्योंकि लीगल ग्राउंड उस तरह की मौजूद नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि फांसी जमानत भी मिल जाएगी।